सकता हूँ, और बाकी जो चूजे होंगे उनका फिर मैं बंद कर दूँगा। ये देखें वो आ रहा है। ओए हो, फिर चला। इतना सफाई करने में ही थकान हुई, इतना इसने थका दिया गर्मी में। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, इस टाइम जो हमारे इलाके में टेम्परेचर है, गर्मी जो है हमारे इलाके में तकरीबन 45 से 46 टेम्परेचर जा रहा है, और इस टाइम घर की छत के ऊपर ठहरा हूँ मैं, और इतना ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझे, और जो गर्म हवा चल रही है मैं आपको नहीं बता सकता कि कितना गर्म हवा इस टाइम चल रही है हमारे इलाके में। ठीक है, तो आप सबको मैं यही कहूँगा कि घर की छत के ऊपर मुर्गियाँ अगर आप लोगों ने रखी हुई हैं, आप भाइयों ने रखी हुई हैं, तो उनकी मैनेजमेंट का ख्याल लाजमी रखें दोस्तों, उनको ठंडा लाजमी रखें। तो आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, सफ़ाई करूँगा छत की, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है इस टाइम, मेरे डरबों की, खानों की गंदगी हो रही है, तो सोचा है कि आज सफ़ाई कर लूँ, क्योंकि गर्मी सर्दी तो यार आती रहती है। अगर मुर्गियाँ रखी हुई हैं तो उनका केयर करना भी बनता है, ऐसे तो मुर्गियाँ फिर बीमार हो जाती हैं गंदगी की वजह से। तो इस टाइम तो गर्मी भी बहुत है, तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि क्या कंडीशन हुई पड़ी है इनके खानों की। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें दोस्तों, ये कंडीशन हुई पड़ी है इस टाइम डरबों की। तो सफाई करनी है, काफ़ी टाइम लगेगा, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, नीचे वाले खानों में भी यही हालात है, ये देखें। तो करनी पड़ेगी आज सफाई दोस्तों, टाइम मिला है मुझे, तो सोचा आज जितना हो सकेगा मुझसे मैं सफाई करूँगा। सफाई जब हो जाएगी मैं छिड़काव वगैरह करूँगा सारा। और ये सेटअप है दोस्तों, मैंने नया बनवाया है, कुछ महीने हुए हैं, और कल मैंने जो वीडियो बनाई थी तो काफ़ी भाइयों ने काफ़ी अपनी अपनी राय दी, तो मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, सब ने जो मुझे अपनी राय दी। तो शुरू करते हैं दोस्तों सफाई, दुआ करें कि मुझे हिम्मत मिले और मैं थकूँ ना, गर्मी बहुत ज़्यादा है। अभी मैं झाड़ू उठाता हूँ दोस्तों, तो काम पे लगते हैं, बस दुआ कीजिएगा कि सही से मेरे से सफाई हो जाए। हद से ज़्यादा गर्म हवा चल रही है, तो इस वजह से थोड़ा सा सुस्ती तो होती है ना आखिर, लेकिन सुस्ती से काम तो नहीं चलेगा ना, सफाई लाजमी करनी होती है। तो शुरुआत करते हैं, मैं कैमरे को ज़रा सेट कर लूँ और आपको, आपके सामने सारी सफाई करूँगा छत की। पहले डरबों की करते हैं, छोटे पिंजरों की। अच्छा, इधर की सफाई कर लूँ मैं, तो बाकी जो छोटे चूजे हैं, मुर्गियाँ हैं, मैं फिर इधर बंद कर दूँगा, क्योंकि उधर फिर मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाएगी, हवा आई मिट्टी की वजह से डिस्टर्ब होंगी मुर्गियाँ। तो इसकी होगी दोस्तों इस खाने की सफाई, बाकी अभी काफ़ी सफाई रहती है तो वो करेंगे, और जो चूजे हैं इसमें बंद कर दूंगा फिर। तो ये हो गई, अब ये खाना रहता है, इसको मैं कर लेता हूँ साफ। तो अब चलते हैं बड़े खाने में, बड़े डरबे में, तो इधर की करते हैं अब। बहुत गर्मी है यार, बहुत ज़्यादा। हिम्मत है मुर्गियों की कि वो यहाँ पर रहती हैं और सरवाइव कर लेती हैं। तो अब मैं पकड़ता हूँ दोस्तों मुर्गियों को, माँ को देख के। तो ये मुर्गी मैं अंदर कर देता हूँ, और बाकी जो चूजे होंगे उनका फिर मैं बंद कर दूँगा। इस खाने में आ गई, ये खुद बुलाएगी चूजों को और वो खुद आ जाएंगे। देखें ये आ रहे हैं चूजे सारे, वो खुद आ गए, नीचे से आ जाएंगे खुद ही। उसको भी मैं पकड़ता हूँ मुर्गी को, और चूजे खुद ही बाहर आ जाएंगे। ये देखें ये मुर्गी यहाँ पर मौजूद है, तो इस गोल्डन मुर्गी को मैं पकड़ता हूँ माशाल्लाह से, ये मेरी गोल्डन मुर्गी हुड़क हुई थी। फिर फिर
इस मुर्गी के दोस्तों सिर्फ 5 चूजे थे, तो अब 3 मैंने पकड़ लिए, बाकी 2 रहते हैं। तो इन दरबों में मैं बंद कर रहा हूँ ताकि मैं सही से सफाई कर पाऊँ उस सेटअप की। तो ये चूजे खुद आ रहे हैं दोस्तों, मैं इनको फिर पकड़ता हूँ। अरे यार, चलने मैं इसको पकड़ के फिर दूसरे डरबे में आऊँगा। तो फिलहाल मैं इसके पास जा रहा हूँ, मैं इधर से जाता हूँ, वो नीचे से गुजर जाते हैं और दूसरी साइड चला जाते हैं। मैं फिर जब उधर जाता हूँ ये फिर इधर आ जाते हैं, ये फिर चला गया बाहर। तो इसको पकड़ना होगा, गर्मी बहुत ज़्यादा है, खुद को काम का थका रहा है ऐसे भी। ये अंदर चला गया, अब मैं इधर नहीं घुस सकता दोस्तों, तो खुद ही आएगा, वेट करते हैं इसका, ये किस टाइम आएगा देखते हैं, आ जाएगा थोड़ी देर तक। इसने खाम का तका दिया मुझे, ये देखें वो आ रहा है, ये आ चुका, मैं इसको पकड़ता हूँ, मुझे यार नहीं आ रहा, इतना सफाई करने में ही थकान हुई, इतना इसने थका दिया गर्मी में। क्या मजाक है यार, सर घूम रहा है मेरा, अब क्या करें, उनका क्या कसूर दोस्तों आखिर। अच्छा, ये पिछले दिनों आंधी आई है तो जिसकी वजह से ये रिंग टूट गई है। तो खैर दोस्तों, चूज़ा इससे नीचे वाले डरबे में चला गया है, आप देख सकते हैं इस दरमियान वाले डरबे में। तो कोई नहीं, बाद में बंद कर लेंगे, बाकी अब बड़े डरबे की सफाई करते हैं। बल्कि आ गया है वापस, फिर अंदर चला गया, खैर कोई नहीं। तो अब सफाई शुरू करते हैं बड़े डरबे की, और पहले झाड़ू दे देते हैं दोस्तों, और फिर मैं छिड़काव करूँगा। मैं आपको नहीं बता सकता कि यहाँ पर कितना गर्मी है, पानी पीने अब नीचे जाना होगा, लेकिन दिल नहीं कर रहा नीचे जाने को। अच्छा तो दोस्तों, सफाई तो हो गई है, बाकी ये मिट्टी है इसको मैं थोड़ा सा फ्रेश कर लूँ, क्योंकि काफ़ी सख्त हो गई है। एक भाई मुझे कमेंट बॉक्स में कह रहे थे कि भाई आपने तो बोला था कि मिट्टी से मुर्गियाँ खुश रहती हैं, लेकिन हमने जो मिट्टी बिछाई वो सख्त हो गई है, इससे तो मुर्गी काफ़ी डिस्टर्ब हो रही हैं, आपने तो गलत बोला था भाई। मिट्टी तो साफ ज़रा सख्त होगी, क्योंकि मिट्टी के ऊपर जब पानी जाता है तो वो सख्त होता है। कोशिश करें कि मिट्टी जब आपस में चिपक जाए, मतलब सख्त हो जाए ज़मीन, तो उसको आपने रिफ्रेश करना है किसी लोहे की मदद से, किसी छुरी की मदद से, जो भी आपके पास हो, ठीक है। तो मैं तो दोस्तों कुछ हद तक मैंने छिड़काव भी कर लिया है, तो थोड़ा सा मैं घास डाल दूँ दोस्तों, ताकि मुर्गियाँ ठीक से फ्रेश हो जाएँ, क्योंकि घास काफ़ी मदद करता है मुर्गियों को ठंडा रखने में। तो अब मैं मुर्गियों का चारा डाल देता हूँ। मुर्गियाँ अभी, ये थोड़ा आपको ज़्यादा गीला लग रहा होगा, क्योंकि मैंने खुद ऐसे गीला किया है ज़्यादा, क्योंकि ये पक्का फर्श है दोस्तों, तो पक्के फर्श पे ज़्यादा गीला उसको करेंगे तब जाके वो ठंडा होगा, क्योंकि तपिश बहुत ज़्यादा है ना, इस वजह से मैंने खुद उसको गीला ज़्यादा किया है, ताकि थोड़ा सा पानी ठहरे और इसकी जो तपिश हो वो मर जाए। बाकी दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। बाकी जो मेरी मुर्गियाँ हैं वो नीचे हैं इस टाइम, आपको पता है मैं कुछ टाइम के लिए उनको नीचे छोड़ देता हूँ, ख़ास तौर पे दोपहर के टाइम, क्योंकि बाहर सारे दरख्त हैं जिसमें वो सुकून से बैठी रहती हैं और अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखती हैं। बाकी ये जो मेरा सेटअप है आप देख सकते हैं, ये सिर्फ यहाँ पर चूज़ों वाली मुर्गियाँ और एक दो और मुर्गियाँ जो ऊपर आ जाती हैं अंडे देने के लिए, कोई मुर्गी भी किसी टाइम भी आ जाती है ऊपर। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं मुर्गियों के हवाले से आपको ऐसी मालूम देते रहता हूँ, और इंशाल्लाह आगे भी मेरे चैनल से आपको अच्छी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो के नीचे जो लाल कलर में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसको प्रेस कर दीजिएगा तो सब्सक्राइब हो जाएगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ, कल एक नई वीडियो के साथ, अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।